guys, welcome back to my channel, The Popeye Liar. So finally, आज लेके आया हूँ मैं स्टील बर्ड का हेलमेट, ये देख सकते हैं आप। So मैंने ये नया हेलमेट मंगाया है अपने लिए, because आपको पता ही होगा मेरे पास पहले वेगा का बनी बोल्ड था, रेड कलर का। तो मैंने कहा थोड़ा सा हेलमेट चेंज करते हैं अपने लिए, तो मैं एक स्टील बर्ड का हेलमेट लेके आया अपने लिए। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आपको इसका प्राइस बताऊंगा एंड इसके अंदर कुछ तीन चार फीचर्स है तो उसको डिस्कस करेंगे। देन मैं लेके आया अपने हेलमेट के साथ ब्लूटूथ ईयरफोन वायरलेस डिवाइस जो कि हेलमेट के अंदर लगता है, आपको पता ही होगा। सो ये मेरी शॉप पर अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके मैं आपको प्राइस बताऊंगा इसका क्या प्राइस है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको, इसको कैसे फिट करते हैं अपने हेलमेट के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं हेलमेट की अनबॉक्सिंग के लिए। सो ये है अपना स्टील बर्ड का हेलमेट जो कि है स्टील बर्ड एयर। इसकी आप ऊपर के ग्राफिक देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये इसके कुछ साइड हो गए, बैक साइड से कुछ ऐसा है एंड दिस इज अ लेफ्ट साइड एंड दिस इज अ फ्रंट। सो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है इसका। इसकी स्टिकरिंग को रिमूव करते हैं भाई साहब। ये स्टील बर्ड के हमने ये उतार दिया स्टिकरिंग फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इसके अंदर मेरे को 100 ग्लास मिलता है, तो इसकी भी स्टिकरिंग रिमूव कर देते हैं। ये देखिए जी, दोनों स्टिकिंग मैंने रिमूव कर दी है, ठीक है। तो एक बार आप इस हेलमेट को पहन के ट्राई करते हैं कि हेलमेट की लुक कैसी लग रही है। ये देखिए भाई, ये इस हेलमेट की लुक है। वाइजर को करते हैं बंद। ये देखिए यार, ये इसकी फ्रंट लुक है। देन ये अपना लेफ्ट साइड से, देन ये अपना राइट साइड से, ऊपर से कुछ ऐसा लुक है। इसके अंदर तो खास ऑप्शन है, आपको ये वाला ऑप्शन भी इस हेलमेट के अंदर मिल जाता है। आप इजीली इसे पूरे को हाफ रिमूव कर सकते हैं, इससे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ड्रिंक वगैरह खा पी सकते हैं इजीली। दैट्स व्हाई मैंने हेलमेट को चूज किया है। बाकी इसके यहाँ पे आपको एक स्पेक्स भी मिल जाता है जो देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन लग रहा होगा, ठीक है। आप इसे पूरे को क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे एंड देन इस विजर को भी हटा सकते हैं। तो कुछ ये खासियत है इस हेलमेट के अंदर की, तो काफी अच्छा लगा मेरे को। आप भी कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। तो अब चलते हैं अपने ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर और उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखिए, तो ये मेरी शॉप पर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये मेरी शॉप पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप कैटलॉग में आ सकते हैं, वरना आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो इसकी एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वायरलेस इनफो है ये, इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सल होता है जो। तो इसमें जो पीछे इमेज बनी हुई है वायरलेस ईयरफोन, इसमें ये वॉल्यूम का है प्लस वॉल्यूम बढ़ाने का और चेंज करने का। यहाँ पे करेंट इंडिकेटर होगा और पावर बटन एंड कॉल्स का एक ही है। यहाँ पे इसके दो बोर्ड्स लगते हैं जिनके हिसाब से सेट होता है। तो करते हैं इसकी ओपनिंग। तो ये देखिए भाई, ये कुछ अंदर से इसकी लुक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका मेन पावर, यहाँ पे इसके जो है स्पीकर्स है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक जो कि ये रहा इसका, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर निकाल के दिखाता हूँ बाहर। सो ये देखिए यार, ये कुछ ऑप्शन है। देन यहाँ पे आपका चार्जिंग जैक है जो कि एंड्रॉयड केबल वाला है, जो एंड्रॉयड से चार्ज होता है। डाटा केबल भी आपको साथ में दी जाएगी। और ये कुछ इसकी इंटरनल फिटिंग्स है जो आपको इसी के साथ मिलेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर वीडियो के आगे और बात करते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैं इसे अपने नए हेलमेट के अंदर लगा रहा हूँ जो मैंने अभी स्टील बर्ड का ये वाला हेलमेट लिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंस्टॉल करने का तरीका ऐसा है कि एक स्पीकर आपका यहाँ आएगा इस साइड में, एक स्पीकर आपका इस साइड में आएगा और माइक आपका आ जाएगा फ्रंट साइड में इस साइड में। तो कुछ इस तरीके से इसे इंस्टॉल करते हैं अपने इस वाले हेलमेट के अंदर। तो चलते हैं इसे इंस्टॉल करने के लिए। तो पहले मेरे को इसकी फिटिंग खोलनी पड़ेगी। स्पीकर लगा दिया है इस साइड में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई है जैसे कि फिटिंग आनी चाहिए। अभी इसकी चार्जिंग केबल रह गई है जो मेरे को साइड में लगानी है।
सो भाई ये प्रॉपर फिट मैंने कर दिया है, इसमें माइक वाला ये ऑप्शन ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ऐसे करके बंद होगा और ऐसे करके हटेगा, तो यहाँ पे माइक का ऑप्शन ऐसे यूज़ होगा। इसका स्पीकर इसका एक यहाँ लगा दिया है, अच्छे से फिक्स हो गया ये। दूसरा स्पीकर इसका यहाँ लगा दिया है मैंने, ये देख सकते हैं ये भी अच्छे से फिक्स हो गया है बिल्कुल, ठीक है। देन पूरी वायरिंग हो गई है, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसके अंदर मेरे को एक ये माइक का कवर एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। चार्जिंग केबल मिली है, चार्ज करके भी ट्राई करेंगे। और ये इसके अंदर एक मेरे को टेपिंग जो है एक्स्ट्रा मिली है, और बाकी इसके अंदर मेरे को कुछ नट बोल्ट भी एक्स्ट्रा मिले हैं, कल को कोई प्रॉब्लम हो तो ये नट बोल्ट हमारे काम आ जाएंगे। तो इसको वापस सेट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इसे ऑन कैसे करते हैं। तो ये पूरा फिक्स हो गया है, ठीक है। हेलमेट भी मेरा ढंग से बंद हो रहा है और ढंग से इसे ओपन कर रहे हैं। तो ऑन करने का तरीका ऐसा है कि अगर हम इसे दबा के रखेंगे, ये देखिए ये ऑन हो गया है। तो इसको अपने फ़ोन से पेयर करके देखते हैं एक बार। तो ये रहा मेरा फ़ोन, तो इसका हम करते हैं ब्लूटूथ को ऑन। तो ये मैं गया ब्लूटूथ डिवाइस पर और ब्लूटूथ को किया ऑन। सर्च करते हैं न्यू डिवाइस, अवेलेबल डिवाइस को हम सर्च करते हैं, ठीक है। ये आ गया BT12 करके इसका नाम लिख के आया है। तो इसे करते हैं इंस्टॉल, और ये पेयरिंग हो गया है और ये प्रॉपर पेयर हो गया। ये देखिए पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे 100% एक्टिव लिख के आ गया है और ये पेयर हो गया है, ठीक है। तो एक बार इससे हम कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको इसका साउंड दिखाता हूँ, इसका साउंड कैसा आ रहा है। अभी मैंने जो कनेक्ट रखा है जिस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, उससे मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो एक बार अभी आप इसका साउंड सुन पा रहे होंगे, एक बार मैं इस हेलमेट को पहन के देन चेक करते हैं इसका साउंड कैसा आ रहा है। तो माइक के साउंड भी चेक हो जाएगा। ये देखिए इसकी लुक कुछ ऐसी आएगी। वंस अगर हम इसे यूज करेंगे हाफ हेलमेट के साथ यूज करेंगे तो ये माइक हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। ग्लास बंद कर लेता हूं तो कुछ ऐसी लुक आएगी इसकी, ठीक है। देन अगर बात करें जाए तो फुल हेलमेट बंद करने की, तो फुल हेलमेट बंद होने के बाद माइक मेरे बिल्कुल सही प्रॉपर फेस पे है, ऐसी लुक आ रही है, आपको साउंड आ रहा होगा। जो स्पीकर है बिल्कुल मेरे कान के पास ही है, बिल्कुल मेरे को उनकी आवाज दे दो, हमारे फील हो रहा है कि हाँ वो मेरे कान के पास ही है। तो माइक की आवाज अभी आप सुन रहे हो इसकी, ठीक है। एक बार मैं स्पीकर की आवाज सुन के आपको बताता हूँ कैसी आवाज आ रही है। तो नाउ मैंने इसका जो है माइक टेस्ट भी कर लिया है फोन पे, और वैसे भी टेस्ट कर लिया है, स्पीकर दोनों टेस्ट कर लिया है। साउंड बहुत प्लीजेंट है, बेस ही साउंड नहीं आता क्योंकि ये बाइकर राइडिंग के लिए, तो इसको इस तरीके से बनाता है कि बेस साउंड ना आए, लोगों को ट्रैफिक की वॉल्यूम भी सुनाई है। तो काफी यूजफुल डिवाइस है, बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है। इसमें जो दिखा रहा है मेरे को, इसमें 10 घंटे का दिखा रहा है, बाकी डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज कर रहे हैं। वाटर प्रूफ होता है फुली ये, और लुक वाइज भी काफी अच्छा लगता है, ठीक है। बात कर लेते हैं वायरलेस ईयरफोन की, जो आपको मेरी शॉप पर मेरे व्हाट्सएप कैटलॉग पे भी अवेलेबल मिलेगी, क्वालिटी में ही आता है, पर इसकी जो ब्रांडिंग है और चीज़ों से काफ़ी बेहतर है। तो आप इसे मेरे व्हाट्सएप कैटलॉग में आके भी ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी शॉप पर भी आप आ सकते हैं, एंड मेरे को आप यूट्यूब पे कमेंट करके भी इसे मंगा सकते हैं। तो आपको ये दोनों आइटम कैसे लगे आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि काफ़ी यूजफुल वीडियो है ये। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली लॉन्ग राइड काफ़ी जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ केदारनाथ की। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।